कांड की जिस पर नया ट्विस्ट आ गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिस ऑडी कार ने चार लोगों की जिंदगी छीन ली, उसका असली ड्राइवर कौन है, इसी लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। जिस इशाक को ऑडी कार का कथित ड्राइवर बताया जा रहा है, वो आज मीडिया के सामने आया और कहा कि उसने कभी ऑडी चलाई ही नहीं है, वो ट्रक ड्राइवर है। तब सवाल ये उठता है कि इसको पेश करने की बात कहां से आ गई। जिस दिन ऑडी का एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन मैं घर पे नहीं था, उस दिन मैं अहमदाबाद में था। मैं नहीं चला रहा था। ये आरोप जो लगाया है ये गलत लगाया गया है। डॉक्टर साहब जो है ये झूठ बोल रहे हैं। ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर कोई और हो इसका तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है चलाता हो, लेकिन ये जो कह रहे हैं शाहक चला रहा था, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। कभी मैंने इस डॉक्टर साहब को ही नहीं देखा है और ना ही इन डॉक्टर साहब ने मुझे देखा होगा कभी पूरी लाइफ में अपनी। सत्ताईस जनवरी की आधी रात जिस ऑडी कार ऑटो को टक्कर मारकर चार लोगों की जान ले ली, क्या वो कार सच में ड्राइवर चला रहा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑडी कार के कथित ड्राइवर इशाक को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। इशाक के घर वाले कुछ और कह रहे हैं और ऑडी का मालिक कुछ और। बहरहाल इस केस को हफ्ते भर से ज्यादा बीत जाने के बाद पहली बार उस ऑडी कार का मालिक डॉक्टर मनीष रावत सामने आया है। मनीष रावत ने कबूल किया है कि हादसे के वक्त वो खुद कार में मौजूद था, हालांकि कार उसका ड्राइवर इशाक चला रहा था। नीचे गाजियाबाद आ रहा था, इस बीच में अचानक से लगा कि ड्राइवर ने किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करी, उसके बाद एकदम से ऑटो सामने आके एक्सीडेंट हो गया था एकदम से। उसके बाद क्योंकि एक्सीडेंट इतना तेज था कि मैं सडनली आगे गया, मेरी गर्दन में चोट आई, सिर में इसलिए चोट बच गई क्योंकि एयरबैग खुल गया था। वहां से जैसे ही मैं होश में आया, देखा कि ड्राइवर उतर के बाहर गया हुआ है। मैं ड्राइवर साइड पहुंचा तब तक वो भाग गया था। फिर मेरे को ये लगा कि ड्राइवर भाग गया, लोग उस समय यही जब तक में सोचेंगे कि आई वॉज ड्राइविंग द कार तो मुझे मार सकते हैं, तो इसलिए मैं वहां पर जो गाड़ी खड़ी थी उसको लेके मैं लिखने के चला गया था। लेकिन इस केस में पेच इस बात पर है कि ड्राइवर इशाक आखिर है कौन, क्योंकि इस केस में जो शख्स ड्राइवर इशाक के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ, कहा जा रहा है कि वो इशाक था ही नहीं। देखिए, यही वो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसे जमानत के वक्त कोर्ट में पेश किया गया। इस पर नाम लिखा है इशाक अहमद, पिता का नाम जमील अहमद, पता नवाबगंज बरेली। इशाक ने खुद कहा कि उसने कभी ऑडी नहीं चलाई, वो ट्रक ड्राइवर है। 27 जनवरी को हम अहमदाबाद में थे, हमने गाड़ी लोड की थी। 27 जनवरी को रात को हम 12 बजे के बाद में निकले वहां से। मैं ऑडी नहीं चला रहा था, मैंने कभी ऑडी मैंने देखी नहीं है, और देखी भी होगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इशाक के घर वालों के मुताबिक जो शख्स इशाक बनकर कोर्ट में पेश हुआ वो इशाक की पत्नी का मामा है और दिल्ली में वो इशाक के साथ रहता था। वो इशाक की दुल्हन का मामा था, जो इशाक था, वो एक ही कमरे में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। डिलीवरी लाइसेंस जो है वो इशाक का है और फोटो इशाक का है। हमारा इशाक की डिलीवरी लाइसेंस की फोटो कॉपी और इशाक की फोटो लग के ये हमारे इशाक के लाइसेंस पे उसने जमानत की है। पुलिस अब कोशिश में है कि वो कथित ड्राइवर इशाक और ऑडी के मालिक मनीष रावत को एक साथ बिठाए और सच सामने लाए। टीम ऑलरेडी बरेली भी भेज रही है, आप भेज चुके हैं, आप जानते हैं, दूसरी जगह भी भेजे हुए हैं। जब वो आ जाएगा इशाक, तो फिर इशाक और डॉक्टर की आपने सामने बात कराएगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।